गाइज, एक काफी बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज निकल गया है, वो ये है कि इंडिया में अभी से 118 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है। वो सभी एप्लीकेशन आप अभी से इंडिया में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और जहां पर सबसे बड़ा जो एक एप्लीकेशन है वो है पबजी मोबाइल। जी हाँ, अभी से आप पबजी मोबाइल भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खेल नहीं पाएंगे। अभी शायद धीरे धीरे ये सभी एप्लीकेशन को ये हटाया जा रहा है गूगल प्ले स्टोर से। अगर सेक्शन देखा जाए, विच इज सेक्शन 69A एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसके हिसाब से ये सभी एप्लीकेशन को हटाया गया है। और गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है टू इंश्योर द सेफ्टी सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन साइबर क्राइम। तो ये सभी चीज के लिए ये सब एप्लीकेशन को हटाया गया है। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये सभी एप्लीकेशन से जो बंद किया गया है आप पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो मैं तीनों एप्लीकेशन का जो लिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। कुछ फेमस एप्लीकेशन है, फॉर एन एग्जाम्पल बाइडू है, बाइडू एक्सप्रेस एडिशन है, टैलेंट वॉच लिस्ट है, फेस यू, वी चैट, रीडिंग, लूडो, जी हाँ लूडो ऑल स्टार जो है वो भी अभी बंद हो गया, मतलब अभी आप लूडो ऑल स्टार भी नहीं खेल सकते, मतलब लाइव अभी लूडो खेलना पड़ेगा, अली पे एंड टैलेंट, उसके साथ साथ पबजी मोबाइल एंड पबजी मोबाइल लाइट। जी हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ, एक्चुअली पबजी मोबाइल बहुत ज़्यादा खेला जाता था इंडिया में और पबजी शायद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया से ही कमाता था। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पबजी मोबाइल खेल के अपना रोजी रोटी चला रहा था, क्योंकि वो लोग अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते थे, उसके साथ साथ यूट्यूब में वो लोग स्ट्रीम करते थे, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं कंप्लीटली अपने इंडियन गवर्नमेंट के साथ हूँ, क्योंकि अगर वो लोग ये डिसीजन लिए तो कुछ ना कुछ सोच समझ के तो लिया ही होगा। और इंडिया चाइना का जो टेंशन चल रहा है बॉर्डर में, वो भी अभी सही दिशा पर नहीं जा रहा है, अभी तक सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो उसके हिसाब से इंडिया ने जो ये डिसीजन लिया है, हैट्स ऑफ टू देम, डेफिनेटली वो लोग सोच समझ के लिए होंगे और हम लोग हमेशा पूरा उनके सपोर्ट में है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे मोबाइल से तो मैंने ये सभी एप्लीकेशन जो जो था मेरे मोबाइल पे मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। अगर आप अभी तक अनइंस्टॉल नहीं किया तो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, इंडिया को सपोर्ट कीजिए। और मुझे इतना लगता है धीरे धीरे ये सर्वर का जो सपोर्ट है वो भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर आपके फोन में इनमें से कोई भी एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो भी धीरे धीरे सपोर्ट देना शायद बंद हो जाएगा। तो गाइज, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है, आप जाकर लिस्ट डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसके बारे में आपको अधिक जानकारी लेना है, डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप गूगल में जाकर सर्च करके इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक, शेयर और डेटा डॉक को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियोस देखने के लिए। सो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज योर होस्ट एमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटा डॉक, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।